वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वन वीक में बहुत सी गिरावट देखने को मिले। 15 लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे नीचे ट्रेडिंग करा है, 13 लेवल के करीब यहाँ पे रिसेंटली ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक आज 13.25 पे ट्रेडिंग करा है, 55 पैसे की गिरावट देखने को मिले। तकरीबन 4% की गिरावट अभी तक हो चुकी है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक में, यानी कि लोअर सर्किट भी लग चुका था पर बाइंग प्रेशर से यहाँ पे वापिस यहाँ पे ऊपर बाउंस बैक किया है हल्का सा। यानी कि आज ओपन हुआ था फ्लैट डे को प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ओपन होते गिरावट देखने को मिली और गिरावट के बाद यहाँ पे 13 लेवल के भी नीचे चला गया था, पर रिसेंटली 13 लेवल का सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ओपन हुआ था 13.80 पे, हाई बना था 13.80 का और लो है 12.85 का। मार्केट कैप है 782 करोड़ का है, पी रेशो 417.32 का है। तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 12% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले और वन मंथ की बात की जाए तो वन मंथ में तकरीबन 26.52% की गिरावट यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल में देखने को मिले। चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डाली जाए तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट एनालिसिस जो है ये जो ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज है वो भी हमने कल बात की थी वहाँ पे सपोर्ट लेने के 13.10 लेवल पे सपोर्ट लेगा, ऐसे हमने कल बात भी हो चुकी थी वहीं पर सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है ऊर्जा ग्लोबल आज के दिन में। तो जबकि 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है तो 12.50 तक जाने के चांसेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे ऊर्जा ग्लोबल के, पर रिसेंटली एक 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है तो ऐसे बाउंस बैक होने के भी चांसेस ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के लिए।